हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम जसराज और आप देख रहे हैं द सोल कंप्यूटर चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको नॉन NFSA की गेहूं वितरण लिस्ट देखना बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। फ्रेंड्स, नॉन NFSA का मतलब है कि जिनको पहले से गेहूं नहीं मिल रहा था, खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं था, उनको अब COVID-19 की वजह से गेहूँ वितरण किया गया है। तो वो गेहूं वितरण किन किन लोगों को किया गया है, तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि अपने गांव में गेहूं नॉन NFSA जो लोग हैं उनमें से किन किन लोगों को गेहूं वितरण किया गया है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से क्लिक करके सीधा इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। यहाँ आने के बाद में आपको अपना ज़िला सेलेक्ट करना है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ राजस्थान राज्य के लिए ही है, अदर राज्य के लिए ये नहीं है। और आप राजस्थान के किसी भी ज़िले से हो तो आप अपना गेहूं वितरण लिस्ट देख सकते हो, आप अपने गांव की पूरी लिस्ट को देख सकते हो। जैसे कि मैं यहां पर जैसलमेर सेलेक्ट कर लेता हूं और यहां पर ऑप्शन दिया गया है आप शहरी क्षेत्र से हैं या ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो मैं यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र से हूँ तो ग्रामीण सेलेक्ट कर लेता हूँ। और आप जहाँ से भी हो वहाँ आपको सेलेक्ट कर लेना है और आगे आपको अपना ग्राम है वो सेलेक्ट कर लेना है, आप किस ग्राम से हो वो सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ जो कोड आपको दिखेंगे उस कोड को यहाँ टाइप कर लेना है, जो भी कोड आपके सामने आएंगे उस कोड को यहाँ पर टाइप कर लेना है, फिर आपको यहाँ खोजे पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आपके पास पूरी लिस्ट नीचे आ जाएगी, ग्राम पंचायत वाइज आपके ग्राम पंचायत में और कौन कौन है, तो आपके ग्राम पंचायत के अंदर आपका गांव है वो गांव आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ मेरा गांव दिख रहा है और यहाँ पर गेहूँ कितने किलो वितरण किए गए हैं, यहाँ पर लाभान्वित कितने हैं, और यहाँ पर अधिक जानकारी पे आपको क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये रोज़ाना की लिस्ट अपडेट नहीं होती है, एक दो दिन के बाद में ये लिस्ट अपडेट होती है, तो आप एक दो दिन बाद में भी इसको लिस्ट देख सकते हो ताज़ा अपडेट को। तो यहाँ पर हमने क्लिक किया है अधिक जानकारी पे, तो यहाँ जिनको भी सभी को राशन प्राप्त हुआ है उनका नाम आ गया है, यहाँ पर उनके पिताजी का नाम है, यहाँ पर दाल है वो नहीं दी गई है तो जीरो है, यहाँ पर गेहूँ कितने गेहूँ दिए गए हैं तो यहाँ पर गेहूँ भी बता रहे हैं। कभी कभी फ्रेंड्स क्या होता है, गेहूँ हमारे को वो बोलते हैं आपके गेहूँ इतने ही वितरण हुआ है, तो आप देख सकते हो आपको कितने गेहूँ दिए गए हैं और वहाँ से कितने गेहूँ इशू किए गए हैं, तो आप इसका भी मिलान कर सकते हो और अपने गेहूँ का पूरा लाभ आप ले सकते हो। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स, इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और अगर आप सीधा ही इस वेबसाइट पर आना चाहते हो तो आपको सर्च करना है jansuchna.rajasthan.gov.in पे, तो इस तरीके से ये लिंक आएगा, मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। और फिर यहाँ पर आप फर्स्ट बार ओपन करोगे तो इस प्रकार से आपके पास सामने पोर्टल आएगा, तो आपको यहाँ पर इस जो विज्ञापन आएगा उसको क्लोज करना है या नीचे क्लिक करना है, चयन करें पे यहाँ पर क्लिक करना है। और इसके बाद में ये जो पोर्टल के राजस्थान में जो भी डिटेलें आती हैं वो उस पोर्टल पर ही आती है, और यहाँ पर आपको नीचे क्लिक कर लेना है, और इसके बाद में आपको यहाँ पर पूरी डिटेल बता दी जाती है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट टैब है COVID-19, यहाँ पे क्लिक करना है, और इसके बाद में आपके पास तीन टैब और दिखाई देंगे इस तरीके से, तो इस दोनों के लिए मैंने पहले वीडियो बना दिया है कि 2500 रुपये किन किन को मिला है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो भी देखें, और ये NFSA राशन वितरण की लिस्ट आप यहाँ से क्लिक करके इस तरीके से सीधा वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।